हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए एबीपी न्यूज जब घंटी बजाता है तो उसकी आवाज सरकार और सिस्टम तक पहुंचती है, वो जागते भी हैं, फौरन एक्शन हो जाता है। इसका ताजा सबूत हमारी अगली रिपोर्ट सबको देगी। देखिए संवाददाता जगविंदर पटियाल की जनहित वाली रिपोर्टिंग ने कैसे दो राज्यों की सरकारों को बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले के वांगड़ी में चेन्नई से लौटकर 7 मजदूर सीधे अपने घर नहीं जाते, बल्कि पेड़ों पर ही कुछ इस तरह खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लेते हैं, क्योंकि घरों में सेल्फ आइसोलेशन के लिए अलग से इनके कमरे नहीं और परिजनों को कोरोना के संक्रमण से दूर रखना जरूरी है। गरीब और कम पढ़े लिखे इन लोगों को कोरोना के खतरे की गंभीरता समझ में आती है, लेकिन आईएएस बनकर बड़े बड़े पदों पर पहुंचने वाले अधिकारी क्या करते हैं, ये सच एबीपी न्यूज के स्टार रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने हरियाणा से पूरे देश के सामने दिखाया। विदेश से लौटने के बाद हरियाणा के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का नाम उन 641 लोगों की सूची में शामिल था जिन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना था। इसलिए राजेश खुल्लर के चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के सरकारी बंगला नंबर 518 पर कोरोना से सावधान करने वाला क्वारंटीन नोटिस चिपकाया गया, जो सामाजिक दूरी बरतने के निर्देश के तहत चस्पा करना जरूरी है। लेकिन अफसरी के रौब में प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कोरोना के कानून की धज्जियां उड़ा दी, बंगले के गेट पर लगा क्वारंटीन नोटिस फाड़ दिया, घर से ही ऑफिस के काम करने लगे, उनके घर लोगों की आवाजाही चलती रही। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल खबर लाए। एबीपी न्यूज ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो कोरोना का कानून तोड़ने वाले अपने सबसे बड़े अफसर के खिलाफ हरियाणा सरकार को एक्शन लेना पड़ा। हरियाणा के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के बंगले पर जिस जगह से क्वारंटीन का नोटिस फाड़ा गया, वहां प्रशासनिक अधिकारी एबीपी न्यूज की खबर के बाद दोबारा पहुंचते हैं, क्वारंटीन का नोटिस दोबारा चिपकाने को मजबूर होते हैं। सवाल यहां आम आदमी खास आदमी का है और उन नियम कायदों का है जो महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने और पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं। ये सवाल जगविंदर पटियाल या खुल्लर साहब का नहीं। हम जानते हैं कि इन अधिकारियों को काम करने पड़ते हैं, लेकिन नियम कायदों को मानना भी इनकी ड्यूटी का ही हिस्सा है। एबीपी न्यूज के जरिए आपकी आवाज सीधे सरकार तक कैसे पहुंचती है, इसकी गवाही चंडीगढ़ की ये दो और तस्वीरें देती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल के सच दिखाने और उस पर एक्शन के बाद पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता के जिस घर पर क्वारंटीन लिस्ट में नाम होने के बावजूद क्वारंटीन का नोटिस नहीं था, वहां भी नोटिस फौरन लग गया, क्योंकि डीजीपी की बेटी विदेश से लौटी है। चंडीगढ़ के गृह और स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता के बंगले के बाहर भी क्वारंटीन का नोटिस नजर आने लगा, इन अफसर की बेटी भी विदेश से लौटी है। कोरोना संकट में पहले हरियाणा को शराब के ठेकों से जगविंदर पटियाल ने ही मुक्ति दिलवाई, ठेके बंद कराए जब एबीपी न्यूज ने घंटी बजाई। अब कोरोना का कानून तोड़ने वाले अफसरों का सच दिखाकर सरकार को राह दिखाई, सही फैसला लेने पर मजबूर किया। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।